नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव रंजन। आज आपको हम एक होम्योपैथिक दवा इपिकाप के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, इपिकाप 200 किन किन रोगों में उपयोगी है। देखिए, जैसे आपको बहुत ज्यादा मिचड़ी आता हो, बहुत ज्यादा आपको उल्टी होता हो, आप हमेशा सिर में चक्कर देता हो, भूख नहीं लगती हो, पेट हमेशा दर्द रहता हो, जो चीज आप खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, वो उल्टी हो जा रहा है, हरे रंग का आपका पित्त निकल रहा हो, आपको हमेशा जी मिचला रहा है, आप इन रोगों में आपका इपिकाप दवा दे सकते हैं। इसमें 1 by 1 मैं आपको बताता हूँ कि इपिकाप दवा जो है किन किन रोगों में उपयोगी है। जैसे देखिए, अगर आपको बुखार है, चारा बुखार है, मलेरिया बुखार है और आपको उल्टी की भी शिकायत है, आप पेट में आपका मरोड़ का दर्द कर रहा है, बर्दाश्त आपको नहीं हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप इपिकाप 200 5-5 बूंद के हिसाब से दिन भर में 3 बार दें। दूसरा, अगर आपको सिर्फ उल्टी है और पेट दर्द है तो आप इस दवा को आप 5-5 बूंद के हिसाब से दिन भर में 3 बार दें, आपका सारा पेट दर्द समाप्त हो जाएगा और उल्टी होना आपका पहला खुराक जो आप इपिकाप देंगे 200 5 बूंद तो उसमें ही आपका उल्टी होना पूरी तरह से 10 मिनट के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। तीसरा, खांसी। अगर आपको बहुत ज्यादा घड़घड़ घड़घड़ कर रहा है, फेफड़ा में गला में कफ आ गया है और आपका खांसते फिर भी आप कफ को निकाल नहीं पा रहे हैं, आपका लगातार खांसी आ रहा है, गला आपका सुसुरा रहा है, तो ऐसी अवस्था में भी आप इपिकाप 200 5-5 बूंद के हिसाब से दिन भर में 4 बार दे सकते हैं। और सिर दर्द, जैसे कि आपका सिर दर्द हो रहा है, आपका माथा बहुत फट रहा है, आपका है आगे की ओर आपका हाथ वगैरह काफी दर्द महसूस कर रहे हैं, इसका चेहरा वगैरह सब काफी आपका सुजाव है, दर्द कर रहा है, आपका कान वगैरह भी दर्द कर रहा है आपका, तो ऐसी अवस्था में इपिकाप दवा आप 5-5 बूंद के हिसाब से दिन भर में 3 बार दे सकते हैं। नाक या मुंह से रक्त का गिरना, देखिए अगर आपका कहीं कट फट गया है और आपका रक्त बंद नहीं हो रहा है, आपका है कोई भी दवा दे रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, रक्त बंद नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ से रक्त गिर रहा है ये भी जान लें, जैसे नाक से रक्त गिरना, मुंह से रक्त गिरना या मूत्र नली से रक्त का गिरना या आपके पैखाना के रास्ते से खून गिरना, ये सब लक्षणों में आप इपिकाप 200 दे सकते हैं 5-5 बूंद के हिसाब से दिन भर में 4 बार। लेकिन इस दवा को आपको 2 से 3 महीने खाना होगा। किन किन रोग में, जैसे नाक या मुंह से रक्त गिर रहा है तो रक्त गिरना, तो आपका 2-4 खुराक इपिकाप 200 खाएंगे तो आपका तो खून गिरना बंद हो जाएगा। और जैसे कि आपका प्रेगनेंसी ठीक करना चाहते हैं, जो फिर आपका कभी भविष्य में आपका नाक से खून न गिरे, मुंह से खून न गिरे, इसके लिए लगातार आपको 3 महीने दवा खानी होगी 5-5 बूंद दिन भर में 3 बार इपिकाप 200। इसके साथ खाने में कुछ परहेज करना अति आवश्यक है, जैसे मांस अंडा और दूध बिल्कुल ना खाएं। आप 4-5 दिन तक आप पथ पर रहें, जैसे उसना चावल का भात, रहर या मूंग का दाल, इसी को आप खाएंगे। आप सब्जी में आप नेनुआ और कच्चा पपीता का सब्जी, कच्चा केला का सब्जी ये 3 बार खाएंगे, लेकिन तेल मसाला बिल्कुल ही कम, तो आप इस रोग से पूरी तरह से मुक्ति पा सकेंगे। तो आज हमने बताया आपको इपिकाप 200 के बारे में। अगली बार हम आपको किसी और होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, धन्यवाद।